आपके लिए धन्यवाद। डॉक्टर नंदिता पाठक जिन्हें आज हम यहाँ इस मंच से सम्मानित करेंगे, नंदिता पाठक को आमंत्रित करती हूँ विशिष्ट अतिथि। डॉक्टर नंदिता पाठक जो कि दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट की निदेशक हैं, जो कि अत्यंत प्रतिभावान, मेहनती, साहसी व अथक परिश्रम करने वाली महिला हैं। 1 जुलाई 1971 को आंध्र प्रदेश के वेणुकोंडा में हुआ था। इधर देखिए, आपने स्नातकोत्तर पर शिक्षा प्राप्त की है। मातृशक्ति शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में मंच पर विराजमान आज के सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदया जी, प्रोफेसर श्रीमती स्वतंत्र शर्मा जी, कुलपति महाराज मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय, आज के इस कार्यक्रम के गरिमामय अध्यक्षता स्वीकार किए हुए सम्माननीय डॉक्टर श्रीमती वीरा लोहिया जी अभी हम सब लोगों के बीच में पधार कर अन्यत्र काम में व्यस्त होने के कारण अपने बीच में अपने घर को लौटी हुई विशिष्ट अतिथि श्रीमती समीक्षा गुप्ता जी महापौर ग्वालियर एवं इस संस्कार भारती के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी डॉक्टर चंद्र प्रकाश गुप्ता जी, संयोजक डॉक्टर ममता शर्मा जी, महामंत्री दिनेश चंद्र दुबे जी एवं इस कार्यक्रम को संयोजन कर रहे नीलम गुप्ता जी, कामता नाथ जी एवं आज हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने एवं अच्छे काम में लगकर भारत को एक सही दिशा में ले जाने वाले जिनका आज यहाँ पर सम्मान हुआ है, ऐसे मातृशक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ एवं इस सभागार में उपस्थित सभी बंधु भगिनियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। चमक उठी सनसंतावन की वह तलवार पुरानी थी, हम लोग सुनते आए, पढ़ते आए, सुभद्रा कुमारी द्वारा लिखा हुआ कविता आज भी बहुत प्रासंगिक लगता है। लेकिन लोग कहते हैं पुरानी चीज़ों को कौन याद करेगा, लेकिन हम लोगों को आज भी यदि वो प्यारे बच्चे यहाँ जब गा रहे थे चमक उठी सनसंतावन की वह तलवार पुरानी थी और रानी लक्ष्मी बाई जी का यहाँ पर जो नाटक प्रस्तुत कर रहे थे, ऐसा लगता है कि उसमें हम लोग कहीं ना कहीं शामिल होते जा रहे हैं, इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और इन चीज़ों को आज भी हम लोग नया महसूस करते हैं और दिल में आज भी आघात पहुँचता है। किस तरह वो एक लड़की छोटी सी इतने बड़े अंग्रेजों के साथ वो लड़ाई लड़ी होगी, क्या करी होगी, कितना कष्ट सहा होगा। इसी तरह आज जिस माँ का यहाँ पर सम्मान हुआ है, कोई भी काम करना इतना आसान नहीं है। सम्मान हम लोग बहुत छोटे चीज़ों से ऐसे माताओं का करते हैं, ये सम्मान मात्र इसीलिए कि हम लोगों को खुशी होती है। ऐसे कोई अच्छा काम करता है उनको हम लोग यदि संस्कार भारती की तरफ से हो या अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से मंच पर बुलाकर जब उनका सम्मान करते हैं तो अपनी आत्मा को संतृप्ति होती है। लेकिन काम करने वाले लोगों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको दिन प्रतिदिन एक नई सोच, नया अभिनव प्रयोग कर काम करते जाना है। लेकिन यदि संस्कार भारती ने हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता एवं इतने बड़े बड़े कार्यकर्ता जिन्होंने समाज को कुछ दिया है, जिनका कोई माता पिता नहीं होता, उनको माँ का प्यार देना सबसे बड़ी बात होती है। आज जो लोग घर में रहते हैं, जो माता पिता बच्चों को पैदा करते हैं, उनके पास खुद ही समय नहीं है कि हम अपने बच्चे क्या पहन रहे, क्या ओढ़ रहे, क्या संस्कार सीख रहे, क्या काम कर रहे हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं, उनकी इच्छाएं क्या है, ये देखने के लिए हम लोगों के पास समय नहीं है। जिसके कारण आज आप देख सकते बिगड़ती हुई जो भी समस्याएँ हैं, हम लोग यदि जब भी कोई न्यूज़पेपर खोलते हैं, जब भी टीवी का न्यूज़ सुनना शुरू कर देते हैं,
तो बड़ी बड़ी जो विषमताएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे बेकारी को लेकर हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे दुराचार को लेकर हो, अन्यत्र बातों के ऐसे डिस्कशंस पूरे टीवी में होते हैं, हम लोग भी उसमें थोड़ी देर के लिए इन्वॉल्व होते हैं और वो समस्याओं का ऐसा लगता है कि तुरंत ही उसका निदान होने वाला है, लेकिन कुछ ही दिनों में वह सब चीजें भूलकर उससे बड़ी विकराल समस्या यदि सामने आ जाती है, फिर उसके ऊपर हॉट डिस्कशन होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग सोचते हैं जो टीवी में परोसा जा रहा है, अपने नेतृत्व के द्वारा जो चीजें बताई जा रही है, वो सब हम लोग सही समझकर उन्हीं के रास्ते में जाने लगते हैं। इसीलिए समाज में जो अच्छा काम होना है, समाज के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम लोग दिन प्रतिदिन भूलते जाते हैं। लेकिन आज ये दिन, इसीलिए 19 नवंबर सबके लिए बहुत यादगार दिन होता है। कहाँ 1857 की वह तलवार आज भी याद आता है, लेकिन आज वर्तमान में जो टीवी में जो घटनाएं चलती है या समाज में जो घटना चलता है, थोड़ी देर के लिए तो याद रहता है, थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पर जिनका सम्मान यहाँ पर हुआ है, उन माताओं का हम लोग कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो ऐसे संतानों को अपनी गोद में लेकर उन लोगों को ऐसी शिक्षा दीक्षा देकर एक समाज के सामने खड़ा करने वाले हैं। ये जो चीज़ें हैं ये स्थाई है। तो हम लोगों को लगता है रानी लक्ष्मीबाई के दिन ही ये सब क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो छुटपन से, यदि कोई व्यक्ति असाधारण व्यक्ति यदि असाधारण बनता है तो वो एक दिन में नहीं बनता। मनु की यदि कहानी हम लोग सुनते हैं, छुटपन से वो बाल्यकाल से लेकर बड़े होने तक का उसकी एक एक हरकतों पर यदि अपन ध्यान देते हैं, वो स्वयं से और अपने परिवार से, समाज से, आबादी से, रिश्तेदारों से, देश से वो सब सीखते चली गई, और तब जाकर उनके मन में ऐसी भावना आती है कि वो अपने लिए ना जिए, अपनों के लिए जिए। तब उनके मन में आता है नर से नारायण की सेवा, नर सेवा से ज़्यादा नारायण की सेवा में, सेवा कार्य में वो लोग लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की जो महिलाएं हैं आज समाज को ज़रूरत है। ये जो सम्मान कार्यक्रम में ग्वालियर आने के लिए हमको नीलम जी के द्वारा, कामता नाथ जी के द्वारा कई बार यहाँ पर बुलावा आ रहा था, लेकिन हम आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि राष्ट्र ऋषि नाना जी देशमुख जी ने जिन काम को, चित्रकूट को छोड़कर, वो भौतिक रूप से उस स्थान को छोड़कर चले गए, लेकिन काम वहाँ ज़्यादा होने के कारण हम विलंब से भी यहाँ पहुँचे। इसके लिए मैं उपस्थित सभी बंधु भगनियों से, आयोजकों से मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हम दिखावा के लिए देर नहीं किए, काम में व्यस्तता के कारण हम यहाँ आने में विलंब हुए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई हो चाहे कोई भी महापुरुष, अपने घर में तब ही जन्म ले सकते हैं जब हम लोग अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही को ठीक प्रकार से निर्वहन करें। चाहते तो है हमारे घर में भी रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो जाए, हमारे घर में भी भगत सिंह पैदा हो जाए, हमारे घर में भी स्वामी विवेकानंद जी पैदा हो जाए, सोचते तो है, लेकिन माँ को जब मालूम ही नहीं है कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई बनती है, कैसे स्वामी विवेकानंद जी बनते हैं, कैसे बड़े बड़े महापुरुष बनते हैं, तो अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेवारी यदि हम लोग ठीक प्रकार से निर्वहन करेंगे, तो एक ही रानी लक्ष्मीबाई नहीं, घर घर में रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो सकती है। लेकिन आज अपनी भारत को वो तलवार वाली रानी लक्ष्मीबाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कुरूतियाँ हैं, जो गड़बड़ बातें हैं, उसको हमारी बिटियाँ समझे और समझकर अपना व्यवहार के साथ, अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ समाज में आगे बढ़े, यही हम लोग ऐसा चाहते हैं। आज यहाँ पर आकर हमें इतनी खुशी होती है। राष्ट्र ऋषि नाना जी देशमुख जी ने 24 वर्ष के आयु में योगेंद्र बाबा जी को प्रचारक के रूप में निकाला था, वही योगेंद्र बाबा जी के संस्कार भारती हमको ऐसा लगता है ये हमारा परिवार है। लोग कहते हैं सम्मान क्या परिवार में लेना, लेकिन यदि सम्मान परिवार से मिलता है, माता पिता से मिलता है, पति से मिलता है, बहन से मिलता है या भाइयों से मिलता है,
वो असली सम्मान होती है। इस परिवार में आकर हमको ऐसा लगता है ये हमारे परिवार में यदि महिलाओं का सम्मान होता रहेगा तो हम लोग अलग प्रकार की एक अनोखा उदाहरण आपको समाज में हम लोग दिखा सकते हैं। ऐसा परिवार में हम पधार कर संस्कार भारती द्वारा जितनी कलाओं का जो संरक्षण संवर्धन हो रहा है, चाहे वो वेशभूषा के माध्यम से हो, चाहे अपनी गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, इन सब चीज़ों के कारण आज हम लोगों को एक अलग पहचान संस्कार भारती का दिखता है और भारत में भी परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है। लोग जरूर कह सकते हैं भारत बिगड़ रहा है, भारत बिगड़ रहा है, भारत वेस्टर्न कल्चर के तरफ जा रहा है, लेकिन आज हम जिस घर में गए डॉक्टर साधना सिंह जी के यहाँ, वो भी पढ़ी लिखी महिला है, उसको जरूरत नहीं है भगवान की पूजा करना, घर में एक ऐसी अलग पहचान रखना, लेकिन लोग जरूर कहते हैं अपना भारत बिगड़ नहीं रहा, भारत और अच्छा हो रहा है, घर घर में पूजा पाठ हो रहा है, घर घर में कलाओं का संरक्षण संवर्धन चल रहा है, ये संस्कार भारती का अलग पहचान अपने आप में दिखाई देता है। लेकिन हम लोग बड़े पैमाने पर यदि सोचेंगे कि हम लोग कलाओं का संरक्षण संवर्धन करेंगे या बहुत बड़ी कार्यशालाएं करेंगे, शायद आज भारत को ये ज़रूरत नहीं है। जैसे बिहू नृत्य को असम में जिस तरह पहचान मिलता है, ओणम त्यौहार को अपनी न्यू